नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आपको नम्र निवेदन किया जाता है, जब लोकसभा राज्यसभा का अथवा विधानसभा विधान परिषद में कामकाज आरंभ होता है अथवा विकास कामों में चर्चा होती है, तब सदन के हरेक सदस्य को बोलने का विचार रखने का मौका दिया जाता है। उसी समय संपूर्ण देश की और देशवासियों की अपेक्षा यह होती है कि सम्मानीय सदस्यों को जो बोलने के लिए समय दिया जाता है, समय में हर एक सदस्य द्वारा देश विकास के लिए अभ्यासपूर्ण विवेचन हो। इसके साथ ही जब सम्मानीय सदस्य का भाषण अथवा विवेचन शुरू हो जाता है, तब उसका संपूर्ण संभाषण सभी सम्मानीय सदस्यों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से सुनाया जाए। उसके भाषण संभाषण में बीच में उसे कोई भी रोके टोके या गलत टिप्पणी करे, ऐसा गलत है। सदन में हंगामा करना, जोर जोर से आवाजें लगाना, यह भी गलत है। यह कामकाज संपूर्ण देश और देश की जनता लाइव प्रसारण द्वारा देखती है और जब वहां पर विकास कार्यों के भयंकर हंगामे खड़े होते हैं तो यह सब देखकर देश की जागृत जनता भयंकर दुखी होती है और मन में यह सोचती है कि क्या जनप्रतिनिधियों को हंगामा करने के लिए ही हमने सदन में बहुमतों से चुनकर भेजा है। मेरे इस विषय पर जरूर विचार किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए एक कानून भी बनाना पड़ेगा और पारित भी करना पड़ेगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।